वालेकुम, आई एम योर मैथ टीचर। दिस इज एक्सरसाइज टू। वी सॉल्व नाउ, वी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सिक्स, एवाल्वेट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एवाल्वेट वन। दिस इज स्क्वायर रूट फोर वन अपॉन टू प्लस ट्वेल्व वन अपॉन फोर अपॉन नाइन इन स्क्वायर। दिस इज आर क्वेश्चन। नाउ वी आर राइटिंग इट, नाउ वी आर सॉल्विंग इट। फोर, दिस इज वेरी इजी टू सॉल्विंग। वी जस्ट इट, दिस इज इन होल नंबर्स फॉर्म, देन वी राइट इट। फोर टू ज़ा एट, इसको हम पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। वी जस्ट multiply it, we multiply 4 to the 8 and we add 1 here, 9 upon 2 upon 2, okay, we change it in fraction, 12 4 the 4 to the 8 for 48 plus 1, 49 upon 4 and 9, इट इज़ वेरी सिंपल। 49 अपॉन 4 अपॉन 9, और इसको जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर उसके साथ आ जाएगा, न्यूमिनेटर न्यूमरेटर उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। 9 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 49, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, दीज ऑल नंबर्स आर इन स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट से मालूम निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। प्लस 7 7 ज़ा 49 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। इनका स्क्वायर हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। स्क्वायर मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2। जब ये इससे क्रॉस हो गए तो ये क्या हो गया, 3 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस इज 3 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 6। वी जस्ट टेक एल्सियम हेयर, 6 6 यहाँ रखा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7, इट्स गोइंग टू 16 अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, दिस इज 8 अपॉन 3। जब इसको होल नंबर्स में चेंज करते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड इट्स, दिस इज़ आर आंसर, ओके। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू। अगेन वी चेंज इट इन होल नंबर, होल वी चेंज होल नंबर्स इन फ्रैक्शंस, 3 5 ज़ा 15, 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 49 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज़ अ साइन ऑफ माइनस। ये सब ब्रैकेट्स में, वो स्क्वायर रूट्स में है, हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे पहले। 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। ये हम स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, और बस वेरी सिंपल है कि हम इसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में करके जस्ट वी टेक आउट द एलसीएम। 5 8 ज़ा 40, our LCM is 40, 5 1 ज़ा 5 and 5 8 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32 प्लस वी राइट 40 हियर, 8 1 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 माइनस 10 1 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28। फर्स्ट वी एडेड 32, दिस इज सॉल्यूशन कॉलम,
we just add first 25, 5, 6, 7, 57, and then minus 28. 17 में से 8 गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, एंड 4 में से 2 गए तो 2. हेयर इज 29/40. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इन होल नंबर 9, 18/25, एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, वी डू इट ऑन पेपर. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज x मल्टीप्लाई बाय, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9, 18/25, इट्स एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर. वन इज दिस एंड अदर इज दिस, विच इम्प्लीफाइज दैट 3x² इक्वल टू इन सॉल्यूशन कॉलम, इन सॉल्यूशन कॉलम 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 9, 5 is 45, 9, 2 is 18, 19, 20, 21, 22 plus 18, 5, 13, 1, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 3 multiplied by 25. We find this is in multiplication form. We change the side, we got it 2, 4, 3/25, 1/3. Just we cross it. 3, 8s are 24, 3, 1s are 3, 3, 1s are 3. x² = 81/25. We putting square root on both sides. Putting square root on both sides. x² = 81/25. 9, 9s are 81. It's become 9/5. This is our answer. Okay. Now this is question number 8. The product of two positive numbers is 5, 5/64, and their LCM is 3, 1/4. Find the square root of the LCM of the two numbers. Again, we solve it on journal. Question number 8. The product of two positive number. Solution. The product of two positive number is SCF multiplied by LCM equal to 5, 5/64. SCF is here 3, 1/4 multiplied by LCM equal to, we solve it in solution column. Solution column 64 multiplied by 5, 5 4s are 20, 6 5s are 30, 31, 32, 5 plus 3, 2, 5, 32, 5/64, which implies that 3 4s are 12 plus 1, 13/4 multiplied by LCM. Here equal to 3, 2, 5/64. Here both are in multiplication, then we change their sides, it becomes LCM equal to 3, 2, 5/64. और यहाँ पर जब ये इसकी पोजिशन साइड्स हम चेंज करेंगे तो इनकी पोजिशन चेंज हो जाएंगी,
4 in division form, it's change in multiplication form. 13 is in multiplication form and it's change into division form. 2 2's are 4, 2 3's are 6, 2 2's are 4, 2 1's are 2, 2 1's are 2, 2 6's are 12, 13 1's are 13, 13 25's are 325. LCM equal to 25 upon 16. Now we change it in square form. Four square, and we remove square root from it. It becomes LCM will be 5 upon 4. This is its answer. Question number 9. What is the number which, when multiplied by itself, gives this? We find the square root by division method of this number. Question number 9. First we making a pairs. 1, 2, 56 का पेयर बना, 87 का बना, 57 का बना, 44 का बना. देन 3 3's are 9. पहले हम इसकी कैप को सॉल्व करते हैं. 3 3's are 9, वी माइनस इट, एक पेयर नीचे आ गया. 3 over 3 में ऐड किया तो 6 हो गया. इफ़ यू मल्टीप्लाई 6 by 2, इट बिकम्स 2 2's are 4, 2 6's are 12, और यहाँ पर क्या है 44. देन वी अप्लाई अ ज़ीरो हेयर, सेवन. ओके, वी अगेन पॉइंट ऊपर चला जाएगा 57. जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 07 से, तो आंसर हमारे पास आता है 4249 प्लस माइनस 7 में से 9 से, तो यहाँ से हमने जो है वो 1 बोरो कर लिया, 9 गया 17 में से, तो आंसर हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, और फिर हम इसको 78 को एज इट इज़, 87 को एज इट इज़ हम उतार लेंगे. 7, 7, 14 का 1, 1, 6, 1, 4. अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है जो हमें सही नंबर से यहाँ तक पहुँचा दे. तो हम 60614 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3's are 9, 3 4's are 12, 3 1's are 3 का 4, 3 6's are 18. यहाँ से हमने फिर इसको 1 बोरो दिया, उसी के 9 जो है वो 7 में से नहीं जा सकता था. 17 में से हमने 9 माइनस किया. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. 7 में से 2 गए 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4. यहाँ पे से 8 में से गए 2. वी गेटिंग 5, 6 हेयर. हेयर इज आर नंबर्स 6, 1, 4, 6. We write here 3, 7 here again, and I write 3 here. 6, 1, 4, 6, 4. 4, 4's are 16 का 1, 4, 6's are 24, 25. 4, 4's are 16, 17, 18 का 1. 4 1's are 4 का 5, 6 4's are 24.
सेम नंबर्स आर हेयर 2, 4, 5, 8, 5, 6 इट्स कम्प्लीटली सॉल्व्ड. एट सिक्स फोर वन सिक्स एंड वी पुट फोर हेयर दिस इज आर आंसर. आंसर इज 30.734. नंबर 10 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 स्क्वायर मीटर्स. फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट. एक स्क्वायर गार्डन है उसकी जो मीटर उसकी जो एरिया है वो कितना है 331.24 स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट. इस पे फेंस लगाने के लिए कितनी बड़ी रेलिंग की कितनी रेलिंग की कितने मीटर रेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी. वी नाउ वी सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. We find square root 2 2 4 होता है तो वी प्लेस हेयर 1 1 1 1 1 1 तो देन इट विल बी 2 और आंसर क्या आएगा 2 3 1. नाउ वी प्लेस 8 हेयर this is become when we 2 multiply by 8 and 8 it will be 8 8 the 64 and 8 2 the 16 17 18 19 20 21 22 there is this is nearest one then we put 8 here and it become 2 2 4 we minus it 11 mein se 4 gaye 5 6 7 8 9 10 11 7 पॉइंट ऊपर चला गया एंड वी राइट हेयर 24 इट बिकम्स अ 8 and 8 16 का 1 36 वी मल्टीप्लाई 36 बाय 2 2 2 4 2 6 12 का 1 2 3 6 7 24 7 24 2. Four, 3 6 4 18.2 is the square root. Then this is a garden of area. Find the length of railing. तो हमने एरिया मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है. गार्डन स्क्वायर फॉर्म में है. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं 1 2 3 4. इन्होंने चारों साइड्स पे फेंस लगानी है तो हम 18.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स वेरी इजी 18.2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 ज़ा 8 4 8 ज़ा 32 एंड 4 1 ज़ा 4 5 6 7 एक नंबर के बाद पॉइंट है वी प्लेस पॉइंट हियर. तो कितनी स्क्वायर मीटर हमें चाहिए. हमें चाहिए 72.8 सेंटीमीटर फेंस चाहिए जो हम इसको अपनी गार्डन पे लगा सकें. क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आर योर होमवर्क. डू बाय योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.